ठंड हो रही है, कितनी ठंड हो रही है। ओए माँ। सीआई, डाटो डाटो सीआई। ओए, तू मेरी सीट पर क्यों लेटी हुई है? चलो उतरो। मैं नहीं हट रही, मैंने अभी ये सीट ना गरम कर लिया मेरे लिए। मेरे को ना सब पता है कैसे तूने गरम करी है। अब एक काम कर, उस साइड सरक जा, उधर भी वैसे ही गरम कर लियो, ठीक है? चल हट। आ जाती मुंह उठा के जब देखो। ठंडे पैर क्यों लगा रही है? ओए माँ। यार प्लीज लगाने देना, मेरे पैर बहुत ठंडे, गरम कर दे प्लीज। दूर कर, पागल, इतनी मुश्किल से तो गरम करे। चल देना, तेरे को तो पता है ठंडे पैरों में नींद नहीं आती मुझे। ठीक है, 5 मिनट बस। पांच मिनट बस। बस फटाले टाले, मेरे भी ठंडे कर दिए। कमी नहीं, ये बेकार है, ये बेकार बहन मिली है मुझे। सुन, एक काम कर, जाके लाइट बंद करा। मैं क्यों करके आऊँ? तू करा, समझ गई? हुकुम चला रही हैं लेटे लेटे। मैं वैसे भी गर्म हो चुकी हूँ, अब मैं नहीं करके आऊंगी। नहीं करके आएगी? नहीं। क्या करूं, मुझे तो लाइट ऑन में नींद भी नहीं आती। एक काम कर, ये ले। इससे बढ़िया तो तू उठ कर ही लाइट बंद करा दे इतनी देर में। जाने दे मेरे को। गर्मी लग रही है। अब ठंड लग रही है, फिर से गर्मी लग रही है। अब ठीक है, एक टांग बाहर निकालने के बाद तो बैलेंस बना रहता है। अब ना गर्मी लग रही है और ना ही ठंड। अरे यार, ये कंबल में हवा कहाँ से घुस रही है? केलो। पैर बाहर निकाल के सो रही है। ओए, पैर ढक अपने। ओए, मेरे को ना गर्मी लग रही है इसलिए मैं पैर निकाल के सो रही हूँ। ऐसे ना बैलेंस बना रहता है ठंड और गर्मी के बीच में। इसको ढक ले और सो जा, परेशान कर रही है। जी, इतनी गंदी बदबू करती कंबल है, क्या खाया था तूने? तूने ही तो बनवाए थे मम्मी से, मूली के पराठे वही खाए थे मैंने। मम्मी को मना करना पड़ेगा कि घर में मूली मत लाया करो, बदबू कर दी। अब मत पा दियो। नहीं जाने ही बंद कर दे। मान जा यार। ठीक है नहीं निकालूंगी अब। खुद का कंट्रोल करना होता है। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो गया, उठ जाती हूँ। कितनी ठंड हो रही है। एक काम करती हूँ, फटाफट जाके गर्म पानी लगाती हूँ और नहा के आ जाती हूँ। जब तक लेटी रहूंगी और ठंड लगती रहेगी। चलो लगा दिया गर्म पानी, अब ना जल्दी से नहा लूंगी। लगाया पानी, आधा घंटा तो लगेगा ही पानी गर्म होने में, तब थोड़ी सी और नींद ले लेती हूँ।
पानी गर्म होने रखा है, चल बोके मैं जाके नहा लेती हूँ। मजा आ गया, आधा घंटा सो के पानी भी गर्म हो गया होगा, फटाफट जाके नहा लेती हूँ। फाइनली 30 दिन बाद जाके मन बनाया नहाने का। चलो वो कहाँ से आ रही है? नाकर आ रही हूँ। इतना धुआं कर रखा है। हाँ तो गर्म पानी से नहाई ना, इसलिए धुआं हो रखा है। ठंडे पानी से थोड़ी ना धुआं होता है, पागल। बेवकूफ, इतने गर्म पानी से कौन नहाता है? और एक मिनट, तू कहाँ से लाई गर्म पानी? तू जो करके सोई थी गर्म पानी, उसी से नहा ली मैं। मेरे गर्म पानी से चुड़ैल। तेरे को पता है सुबह जल्दी उठी थी मैं ताकि पानी गर्म कर पाऊँ। अबे ओ, तू ना गर्म पानी करके सो गई थी, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे को गर्म पानी मिला तो मैं नहा ली, अब मेरी सरदर्दी नहीं है, जाके नहा ले समझ गई। और वैसे भी तू तो ठंडे पानी से नहाती है ना, ठंडा पानी तो गर्म नहा ले। ठंडा पानी नहीं होता है, मिक्स पानी होता है। मेरी बात में उसे ठंडा पानी ही कहते हैं। जाके नहा ले अगर नहाना है तो, वरना तू बाढ़ में जा। नहा धो के सर्दियों में धूप सेकने का मजा ही कुछ और है। सही है, 15 दिन बाद नहाई हूँ पर मजा आ गया। ओ सूरज देवता, अच्छे से गर्मी देना, सर्दी में गर्मी लगनी चाहिए मुझे। वैसे भी धूप सेकने से ना विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी को हो जाऊंगी मैं। yes! सर्दी में तो वैसे भी टैनिंग नहीं होती। मस्त धूप में बैठ के ऑरेंजेस खाएंगे और मजे करेंगे। उस चिंकी को कैसे पागल बना दिया। और ना कर आई है? हाँ और क्या, देख मस्त नहा के आई हूँ। शकल से लग तो नहीं रहा कि तू नहा कर आई है। तो शकल से क्या हो गया, वैसे तो नहा के आई हूँ ना। अच्छा सुनवाई है जरा, छोड़ना क्या करेगी सुन के? नहीं मेरे को तो सुनना है, मेरे को देखना है तू नहा कर आई है या नहीं नहा कर आई। शर्म कर ले, 20 दिन हो गए तक नहाया, आज भी नहीं नहाई। अबे ओ, पहली बात तो मेरे को 20 दिन नहीं हुए, ठीक है ना, 30 दिन हुए। महीना हो गया तेरे को? हाँ तो कैसे नहाती मैं, ठंडे पानी में नहाती क्या? इतनी मुश्किल से तो मैंने गर्म पानी किया था और तू नहा के बैठ गई उसमें। तेरे को पता है कितनी मुश्किल से मैंने मन बनाया था नहाने का 30 दिन बाद, और वो भी तू नहा के बैठ गई मेरे पानी में। हाँ तो क्या हो गया? देख मेरे को ना बड़ा आलस आता है, गर्म पानी करना, उसके बाद बाल्टी भरना, और तूने सब कुछ रेडी कर रखा था तो मैं नहा रही, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये सब तो संतरा खाएगी, खिला दे। मस्त है ना? वैसे एक बात है, सर्दियों में ना धूप के मजे अलग होते हैं, है ना? सही कह रही है, सारी ठंड भाग जाती है नहाने के बाद। देखो एक जादू दिखा, चश्मा उतार। अरे मस्त है, अब ना सूरज को देख, बिल्कुल ना देखती रही हूँ, और ना पता है ये सूरज भी तेरी आंखों में चुभेगा नहीं। मजा आया ना? अच्छा मैं एक जादू दिखाऊं? बता। ये देख, आज तूने परफ्यूम नहीं लगाया ना? नहीं। तेरा परफ्यूम खत्म भी हो गया? रुक तू देख। ये देख, संतरे का छिलका ना परफ्यूम का भी काम करता है। ओ, बड़ी मस्त खुशबू है यार ये तो। तेरे को ज्यादा जरूरत है, तू लगा, तू नहीं नहाई ना 30 दिन पे। ओए होए होए, क्या मस्त खुशबू आ रही है ऑरेंज की, मजा आ गया। अब हम दोनों संतरे बन गए। ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ओए तुझू क्या खा रही है? आइसक्रीम खा रही पागल, ठंडी ठंडी ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। वो पागल औरत, तेरे से बोला तो जा नहीं रहा, ठंड में कौन आइसक्रीम खाता है? अरे कुछ नहीं होगा, तू क्या जाने, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में कितना मजा आता है। वैसे यार क्या तो सही रही है तू, तेरे को देख देख के ना मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर गया। ये तो नहीं थी, अबे हट जा 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 जा
क्या कर रही हो तुम दोनों? अरे मेरा एक काम कर दो बच्चों, बाहर से जाके ना सब्जियां ले आओ। नहीं मम्मी, हमें ना बहुत ठंड लग रही है। हाँ हमें तो वैसे भी बहुत ठंड लगती है, और आप तो वैसे भी क्या हो, मिस इंडिया, मिस सॉरी मदर इंडिया। अरे हाँ मदर इंडिया, मदर इंडिया, आपको ठंड नहीं लगती? पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हो, बस देखो एक ही स्वेटर में पूरी सर्दियाँ निकाल लेते हो। आप जाओ, आपको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, हमें तो बहुत लगती है। और मम्मी वैसे भी आपको तो सब्जियाँ अच्छे से छाटनी आती है। अरे बेटा ले आओ सब्जियाँ, ही तो लानी है जब तुम्हें सर्दी नहीं लगती, जब तुम ये बैठ के आइसक्रीम खा रही हो। हाँ आइसक्रीम कौन सी आइसक्रीम? मैंने तूने आइसक्रीम खाई है? मम्मी मैंने नहीं खाई। एक काम करो इसको भेज दो, ये खा रही थी आइसक्रीम, इसको ठंड नहीं लगती, आप इसको भेज दो। क्या है? नहीं मम्मी मैं भी आइसक्रीम नहीं खा रही थी, इसने दिलाई थी मेरे को कि ठंड में आइसक्रीम खाएंगे। मम्मी झूठी है ये, एक नंबर की, आपको तो पता ही है। तू जाएगी सब्जी लेने? तू जाएगी? इसको भेजो। मम्मी इसको भेजो। चुप करो दोनों, एक काम करो दोनों साथ में जाओ, दोनों जाओगी, कोई बहाने नहीं की, ये जाएगी ये जाएगी ये जाएगी। पूरे दिन लड़ती रहती है मम्मी, इसको काम बोल दो, कोई सी भी एक काम करने के लिए तैयार नहीं होती अपनी माँ का। अब दोनों बहाने बनाना बंद करो और जाओ चुपचाप से सब्जी लेकर आओ। आधा किलो टमाटर ले आना, एक किलो आलू ले आना और दो किलो प्याज ले आना, ठीक है? अब आइए ना इसमें मम्मी, अच्छे से आइसक्रीम खिलाऊंगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बहाने बनवा लो बस। क्या यार मम्मी ने भी ना इतनी ठंड में बाहर भेज दिया, और देख शाम भी होने वाली है। कह रही पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारी मम्मी से हमारी। सही में सब्जियां लेने अभी की भेजा मैं? मेरे को नहीं जाना, एक काम कर तू चली जा, तू लेकर आ जाइयो। अच्छा मैं क्यों जाऊंगी, तू चली जा ना, मैं चली आती घर में अंदर, चल जा। ए ए तू जा चल। मैं क्यों जाऊंगी, जाएंगे ठीक है ना, मम्मी ने दोनों को बोला। ठीक है ठीक है। आहा हो गया सारा काम घर का, जुकाम भी लग गया। मम्मी ये क्या किया? अरे यार पूरा बिगा दिया। मम्मी 30 दिन हो गए थे मुझे नहीं लाए, और आज ठंडे पानी में नहला दिया। अच्छा अच्छा क्या मम्मी है, क्या मम्मी तुम दोनों अभी तक गई नहीं? अबे ठंडा नहीं गंदा पानी, बदबू आ रही है इसमें से, देख। हाँ हाँ पोछे वाला पानी था ये, गंदा ही था, निकम्मी हो, चलो इस बहाने नहा तो लोगी। मम्मी यार मत करा करो, अब नहाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, दिन में दो बार भी नहाते हो तू? 30 दिन हो गए तेरे को नहाए, चल अब जल्दी से जा नहाने। मेरे को नहीं नहाना, मैं तो नहा कर आई थी, इसको बोले ये गंदी सी सूख ली। मम्मी मैं नहीं नहाऊंगी, मैं अगले 30 दिन बाद ही नहाऊंगी। इसलिए बोलती हूँ तुम दोनों को कि घर के कामों में मदद करवा दिया करो, तो ठंड नहीं लगेगी। पर नहीं नहीं करवानी, अब देखो लग गई ना सर्दी। और हाँ एक और जरूरी बात तुम दोनों को बता दूं मैं मैडमो, ये ना ठंडा पानी रखा है, अब गर्म पानी खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गई थी और गीजर खराब हो गया है। मम्मी ना रहे जबरदस्ती है क्या यार, पहले खुद गंदा करो फिर ठंडे पानी में नहाने की बोलो। एक तो इतनी ठंड में आप हमें बाहर भेजे सब्जी लेने के लिए, ऊपर से भिगो दिया हमको। जाओ जाओ चलो ठीक है ना, ना रहे दोनों कितनी बास मार रही हैं, फिर भी नहाने का मन नहीं करता इनका, चलो जल्दी निकम्मी औलाद ना मजा ना स्वाद, चल बढ़िया तेरे को तो नहाना भी चाहिए, 30 दिन हो गए सूख ली। मैं कह रही थी कि ठंडा पानी बहुत है यार, और ठंडे पानी में नहाके मेरी ना बर्फ जम चुकी है मेरी भी तो। सही कह रही है बहन, मम्मी ने भी ना बेफालतू में भिगा दिया। नहीं जा सकती है मम्मी, इसको भेजो इसको भेजो इसको भेजो इसको भेजो। तू चली जाती तो तेरा क्या जाता बताऊँ, क्या चला जाता? अगर मैं अकेली जाती ना तो फिर मैं ही भीगती, और फिर अब मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता। अब मैं जाए ना दोनों नहाए साथ में। एक तो गीजर भी नहीं चला, बर्फ जम गई। मैं भी तो दोबारा से नहाई हूँ। हट झूठी, तू कब नहाई? मतलब 30 दिन बाद तो दोबारा से नहाई हूँ ना। 30 दिन बाद तो तू नहाई थी यार। बहन एक काम करते हैं, हीटर चला लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पागल वागल है क्या? अगर हीटर चला सकते हैं हम, तो फिर गीजर के पानी में ना नहा लेते गर्म करके, लाइट नहीं है।
इसलिए तो हम ठंडे पानी से नहाए हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब क्या करें यार, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, देख दिखाऊं, ये देख। पागल हो गई है कि कैसे बर्फ जैसे हाथ ले रखे तूने? मैं तो बहुत ठंडी हो रखी हूँ, ऐसा लग रहा है अगर मैं और थोड़ी देर बिना हीटर के बैठी ना तो मैं बर्फ में तब्दील हो जाऊंगी। तब्दील हो जाएगी तो पोकेमोन है? पता नहीं बहन, पर मेरे को बहुत ठंड लग रही है। बहन एक काम करते हैं, किचन में चलते गैस के ऊपर हाथ सेकेंगे। यार तेरा तो बड़ा तेज दिमाग है, हाथ भी सेक लेंगे और पैर भी सेक लेंगे। पैर थोड़ी सेकेंगे पागल, पाप होता है पाप। बहन गैस जला, तू जला ना। चल क्यों नहीं रहा? तू रहने दे, तुझसे वैसे भी नहीं होना, रहने दे। पता नहीं यार क्यों नहीं जल रही। अरे बहन ये देख, पापा सिलेंडर भरवाने के लिए गए हुए। अबे यार अब क्या करेंगे? देख मेरे हाथ देख। वो भी फ्लॉप हो गया। वही तो। मेरे पास एक और आइडिया है। पीछे चलते हैं, आग जलाएंगे पीछे। अबे पागल, घर के पीछे। पीछे कैसे आग लग सकती है? अब मजे आ रहे ना बहन। हाँ ये भी थोड़ा गर्म कर लो। कितना मजा आ रहा है। पर बहन आग ना तेज नहीं हो रही। सही कह रही, थोड़ी सी और गर्मी होनी चाहिए। हाँ एक काम करते हैं, इसमें पेट्रोल और डाल देते हैं। हाँ यार आग तो तेज हुई नहीं। बस महारानी की तरह बैठी रहना है, घर का कुछ काम मत करवाना मम्मी को। चुपचाप उठो और पोछा लगाओ। चलो पोछा। मम्मी मम्मी ठंड हो रही है, इतनी ठंडे ठंडे पानी में पोछा कैसे लगाया जाएगा? अब तो थोड़े से रहम करो मम्मी हम पर। एक काम बोल दो, हजार बहाने तैयार है महारानियों के, है ना? छोटी बच्ची हो क्या कि एक काम नहीं होता तुम लोगों से? हाँ ठीक है तो एक काम करो, झाड़ू लगा दो। मम्मी देखो झाड़ू तो नहीं लगाई जाएगी, आपको पता है तू तो सॉक्स पहनने के बाद भी पैर सूजे हुए, पैर की उंगलियां ऐसी मोटी मोटी हो रखी है। हाँ मम्मी हम तो कंबल में से बाहर भी नहीं निकल सकते, आप झाड़ू लगाने की बात कर रहे हो, पता कितनी देर से यहीं बैठे हुए हम। बस बहाने बनवा लो, इनसे एक काम की मत बोलो, कुछ मदद नहीं करवानी मम्मी की, कुछ भी नहीं करवानी है ना। बस महारानियों की तरह मम्मी खाना ला दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, है ना? मैं तो नौकरानी हूँ, मेरे को तो ठंड लगती ही नहीं है। मम्मी देखो झाड़ू लगाने की भी हिम्मत नहीं है, देखो उंगलियाँ कितनी सूज रखी है मेरी। मम्मी मेरी भी तो देखो, इतनी पतली पतली मेरी उंगलियाँ, धोऊँ ना कोमल कोमल से कैसे धोऊंगी मैं इनसे? ठीक है ये सब छोड़ो, एक काम करो बर्तन धो दो। मम्मी इससे धुलवा लो, वैसे भी इसकी शक्ल ना सड़े हुए बर्तनों जैसी ही है, तो इसी से धुलवा लो आप।
नहीं मम्मी इससे धुलवा लो, इसकी शक्ल ना वो विम बार की जैसे ही धो लेगी। नींबू जैसी? मम्मी इससे धुलवाओ, ये कह रही मैं धोंगी विम बार से झाग बना बना के उसमें अच्छे से बर्तन चमकाऊंगी। अरे चुप, लड़ती रहेंगी बस। इसको बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो, दोनों में से कोई मत करो मेरी माँ, माफ करो मुझे, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना, तुम हो मेरी माँ तो, है ना। अब एक काम करो, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में शादी में जाना है। वो पड़ोसन नहीं है मिसेस वर्मा, उनकी बेटी की शादी है, होकर आ जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। ठीक है मम्मी, हो जाएंगे रेडी। रेडी चल यार, ठंड लग रही है वैसे तो बहुत तेज। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। क्या टाइम हो गया, उई इतनी लेट हो गया। निकम्मियों, ओ दोनों की दोनों, क्या पूरा दिन लोगी क्या तैयार होने में, आ जाओ अब। अरे मम्मी आगे आगे आगे, मम्मी आगे, चलो 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 चलो। एक मिनट, अभी जब मैंने तुम्हें काम बोला तो तुम्हें ठंड लग रही थी, मम्मी देखो उंगलियां सूजी है, मम्मी देखो पैरों की उंगलियां सूजी है, और अब ये क्या बन ठंड के चल रही है स्लीवलेस और ये छोटे छोटे ब्लाउज पहन के, हाँ अब ठंड नहीं लग रही। एक काम करो, जाओ बच्चों मोटे वाले जैकेट पहनाओ, बाहर बहुत ठंड है, ओपन में शादी है, जुकाम लग जाएगा तुम दोनों को, और उंगलियां पहले सूजी हुई है और मोटी मोटी हो जाएंगी, फिर और बहाने मिल जाएंगे तुम दोनों को, है ना। और वैसे भी वहां जाके हमने बहुत सारी सेल्फीज लेनी है, बहुत सारी रील्स भी तो बनानी है। किस पे जो गाना अभी आप गा रहे थे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उस पे रील्स बनाएंगे मम्मी। हाँ अच्छा, अब तुम्हें रील्स भी बनानी है, तुम्हें सेल्फीज भी लेनी है, इन कामों में तो तुम्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती, पर मम्मी एक बार बोल दे कि झाड़ू लगा दो बच्चों तो उसमें तुम्हें ठंड लग जाती है ना। अरे ठीक है ना मम्मी, बहुत सुना लिया, अब ना लेट हो रहे हैं शादी के लिए, जल्दी चलो ना, बारात आ जाएगी फिर हम सबसे लेट पहुंचेंगे, खाना खत्म हो जाएगा। खाना भी तो खाना, मम्मी ठूस ठूस के सारी अलग अलग वेराइटी का। साली निकम्मी औलाद, ना मजा ना सॉल्व, सही में पछता रही हूँ, पता नहीं भगवान कैसी औलाद दे दी है मेरे को, इससे बढ़िया एक लड़का दे देते ना, खुशी खुशी रखता मुझे। हाँ बेकार, चलो अब आ जाओ, चलो चलो चलो।